हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस फॉर 6 जनवरी 2018। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज साइन द होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। तो अभी ये नेशनल गेम्स होने हैं, 39th नेशनल गेम, जो कि हमारे कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, मेघालय। तो मेघालय में ये गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे 2022 में। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें याद रखनी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट विद मेघालय स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनवील्ड न्यू ₹10 डिनोमिनेशन नोट अंडर द महात्मा गांधी न्यू सीरीज। द न्यू नोट हैज़ अ मोटिव ऑफ, तो जो नया नोट है उसका क्या मोटिव होगा। तो आप लोगों ने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने ₹10 का नोट रिलीज़ किया है नया नया, तो उसका जो मोटिव है वो इस समय सन टेंपल कोणार्क है। तो दोस्तों इसमें ये भी याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ने इससे पहले रिलीज़ किया था डिनोमिनेशंस में, वो ₹50 का भी नोट रिलीज़ कर चुके हैं। तो जो ₹50 का नोट था उसमें हम्पी जो है विद चैरियट, जो रथ है उसके साथ हम्पी का मोटिव है, और उसका जो कलर है वो भी आसमानी नीला या फ्लोरेसेंट ब्लू आप कह सकते हैं। और इसी तरीके से और जो इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट ने नोट रिलीज़ किए हैं, वो ₹200 का नोट एक रिलीज़ किया था, ₹200, उसका जो मोटिव है वो सांची स्तूप है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है सांची स्तूप। और इसका जो कलर है वो पर्पल कलर है, पर्पल कलर। और इसी तरीके से एक नोट और रिलीज़ हुआ था जो आप लोगों को याद होगा डीमोनेटाइजेशन के दौरान, तो वो ₹500 का जो नोट था उसका आप लोगों को मोटिव पता होना चाहिए, रेड फोर्ट, लाल किला, तो ये उसका मोटिव था। और उसका कलर भी आप लोगों को ग्रीन कलर जो चल रहा है। और इसी तरीके से जो लास्ट नोट रिलीज़ किया गया था दैट वॉज ऑफ ₹2000, ₹2000 का नोट रिलीज़ किया गया था, पिंक कलर में था, और उसमें जो मोटिव है वो हमारा इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान जो भारत ने लॉन्च किया था उसको वहाँ पे मोटिव बनाया गया है। और सभी में जो लोगो है उस लोगो में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी वहाँ पे स्पेस दी गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ऑफिशियल एम्बलम ऑफ वेस्ट बंगाल न्यूली लॉन्च्ड बाई स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने ये अभी अपना बंगाल का स्टेट एम्बलम चेंज किया है, तो उसी से रिलेटेड ये पूछा गया है कि उस स्टेट एम्बलम का क्या थीम है। तो उसके लिए जो थीम है वो है विश्व बंगला, यस ये याद रखनी है आपको ये थीम, विश्व बंगला। और जो लोगो है वो एक अशोक पिलर है, आप लोग नेट पर सर्च कर लीजिएगा किस तरीके का एम्बलम है वो, लेकिन आपको थीम इसकी याद होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये आज ही निकला है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसको रिलीज़ करती है। तो इसमें पूछा गया विच स्टेट हैव बीन इज फाउंड टू हैव हाइएस्ट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ट्वेल्थ के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं हायर इंस्टीट्यूट्स में, तो उसका जो इनरोलमेंट रेशियो है उसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो दैट इज़ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट ने इस पर टॉप किया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, जैसे कि जो हायर एजुकेशन है इंडिया में उसने कुछ मार्जिनल इंक्रीज 0.7% का देखा है 2016-17। इट फर्दर सेड द ग्रॉस इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैड गॉन अप 25.2% इन 2016-17 फ्रॉम 24.5% इन दिस। तो इतना सा ये इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, अभी इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, हमारे जवान भी CRPF के मारे गए थे, तो जो इन्फिल्ट्रेशन को करप्ट करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया है, दैट इज़ ऑपरेशन अलर्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन अलर्ट, याद रखना है BSF ने चलाया है ऑपरेशन अलर्ट फॉर इनफिल्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ क्वेश्चन सिक्स, विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स याद रखने ज़रूरी हैं। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन असिस्टेंट
इन असिस्टेंस विद वर्ल्ड बैंक, सही। इट विल इंक्रीज लीड टाइम इन फ्लड फोरकास्ट एट लीस्ट 3 डेज़, तो 3 दिन पहले कम से कम हमको ये फोरकास्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपकी जो नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्सेस हैं और भी जितने भी इसके टर्म्स आते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज फोकस एरिया ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये भले ही स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है तो ये किस यूज़, लेकिन टर्शरी हेल्थ केयर के लिए होती है। अब दोस्तों टर्शरी हेल्थ केयर या आप सीधे से देखें कि इस योजना के अंतर्गत है क्या, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं इसमें कि हम को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन अभी देख भी रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि अभी एक रिसेंटली सेटअप किया गया है, उसमें हमारे पास एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन वो सेटअप होंगे। अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये दूसरा चीज़ यहाँ पे करना है। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये दो प्रोविजंस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हैं, मतलब कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नाउ द 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ बिलो इज़ इनकरेक्ट अबाउट द जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए क्या यहाँ पे करेक्ट है, इट इज़ अ नॉन वाटर कंजप्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, सही। द फेज़ वन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बिटवीन गोवा एंड दीव, ये गलत है। इसमें जो फर्स्ट फेज़ होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन वो वाराणसी से हल्दिया के बीच में किया जाना है। तो ये हमारे पास जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है। 9th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कौन सा इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ अरेबिक फ्रांस रशिया, मतलब कि एस आर फेस। हमारे पास जो एस आर फेस है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो स्पेनिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच और फिर उसके बाद अरेबिक और फिर हमारे पास चाइनीज़ मैंडेरियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये सारी लैंग्वेजेस हमारी 1, 2, 3, 4, 5 लैंग्वेजेस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो जर्मनी लैंग्वेज इसकी नहीं है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस समय ये डिबेट चल रही थी, सुषमा स्वराज ने बोला था कि हिंदी को भी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, जिसमें कि शशि थरूर के साथ इनका वहाँ पे वाक युद्ध हुआ था, थोड़ा सा डिबेट हुई थी और कन्फ्रंटेशंस हुए थे। तो शशि थरूर कहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो हमारा काम है हिंदी लैंग्वेज भारत की ही ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक नहीं बन पाई है, इंग्लिश के साथ ही है, तो पूरे भारत में ही लागू नहीं है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उससे असर पड़ने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जोजिला टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन, तो जोजिला टनल ये अक्सर अभी आजकल न्यूज़ में आ रहा है, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा हमें श्रीनगर, कारगिल एंड लेह में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अभी एक PIL फाइल हुई थी, तो NGO ने फाइल करी थी, उसमें पूछा गया था कि जो विशाखा केस के लिए जो जजमेंट आया था उसमें कमेटी बनाने की बात हुई थी, तो वो कमेटीज़ क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और वर्क प्लेसेस पे बनी हैं, तो उस पर क्या एक्शन हुआ है। तो इसमें हम लोगों का यही लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाने की बात हुई थी। द कंप्लेंट इज़ अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ और द कंप्लेनेंट बिलोंग्स टू अ वर्क प्लेस दैट एम्प्लॉयज़ लेस देन 10 पीपल, ये सही बात है, जो कंप्लेनेंट है वो 10 पीपल से कम के लिए एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ही बातें इसमें सही हैं। तो कुछ इसकी डिटेल्स हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमारे पास आज के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। अब अगर आप लोगों को इसमें और जो भी नेक्स्ट डे की वीडियोस होंगी वो मैं आगे और अपलोड कर दूंगा, तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ।